नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनीति है, सहमत का खेल तो लगातार जारी ही रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सभी दल चाहते हैं कि अपने अपने जातिगत जो वोट बैंक था, जो जनाधार है, जिसके बदौलत कोई भी सरकार सत्ता में आती है, सत्ता की सीढ़ी चढ़ती है, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करती है, उसे पकड़ के रखे, उसे समेट करके रखे। यही हाल जदयू भी कर रही है। जदयू भी जो है लगातार इस बात के कोशिश में है कि एक बड़ा जो वोट बैंक है बिहार के भीतर, किसी भी जाति वर्ग समूह का हो, उसे जो है अपने हाथ से छिटकने नहीं। अब देखिए, बिहार विधानसभा जो सत्र चल रहा था उसके अंतिम दिन क्या कुछ हुआ था, इस बात से, इस खबर से आप अछूते नहीं है। भारत लाइव के दर्शक हैं, भारत लाइव की टीम ने आप तक सारी खबर पहुंचाई हुई थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ तकरार हुआ था, सभी बातें आपने सुनी थी। इसके बाद से नीतीश कुमार कभी गांधी जी के शरण में जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक नया दौर नीतीश कुमार ने खेला है। यह दौर क्या है, इस पर चलिए विस्तृत चर्चा करते हैं हम। ये दौ है कि नीतीश कुमार ने अब अब्दुल बारी सिद्दीकी पर नया दौ अपना जो है अजमा लिया है, यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को खुला ऑफर दे दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से को जो ये ऑफर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि आप जो है उनको जो है मंत्री बनाने तक का ऑफर दिया, विधान परिषद के थ्रू होते हुए जो उन्हें जो है मंत्री बनाने तक का जो सफर है वो उन्हें तय कराया जाएगा। अब कैसे, देखिए, जदयू के बहुत सारे ऐसे परिषद थे, विधान परिषद थे, जो इस बार चुनाव लड़ रहे थे और बहुत सारे इसमें से जीते भी, जिसके बाद से बहुत सारे विधान परिषदों का जो है अगर बात करें सीट जो है वो रिक्त हुआ पड़ा है। और इसके बाद अगर आप दूसरे भी माने तो इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है क्योटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार बनाए गए थे, वहां से उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। अलीनगर से पहले लड़ते थे, जो उनका कोर वोटर माना जाता है, कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद आरजेडी से भी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज चल रहे हैं। किस बात को लेकर के, उन्हें लग रहा है कि जो राजद का जो एक कोर वोट बैंक रहा है, एमवाई समीकरण वाला जो वोट बैंक रहा है, उनसे उन्हें जो है लाभ इस बार नहीं हुआ और इसके पीछे वो एक साजिश मान रहे हैं। चलिए, इसको लेकर के वो अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार राजद के पार्टी कार्यालयों से भी और जो भी राजद के शीर्ष नेतृत्व हैं वहां से वो दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं और इसी का फायदा जो है नीतीश कुमार उठाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार सीधे चाह रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को मंत्री पद तक का ऑफर दे करके उन्हें जदयू में शामिल कर लिया जाए। इसके पीछे भी एक बड़ी बात है। दरअसल जदयू खेमे से इस बार 11 ऐसे प्रत्याशी थे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो सभी 11 के 11 जो इस बार बात करें, जो विधायक के लिए जो प्रत्याशी थे, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सफल नहीं कर पाए, बेरा पार नहीं लगा पाए जदयू का। अब क्या हुआ है कि नीतीश कुमार, जिनके साथ एक मुस्लिम चेहरा माना जाता था कि उनका नीतीश कुमार के साथ रहती है, नीतीश कुमार की मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी पैठ है, वो पैठ जो है खत्म होते हुए दिख रही है और यही बात का डर नीतीश कुमार को भी है। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने खेमे में कर लिया जाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को अगर मंत्री बना दिया जाए, तो अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट है, मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, उसके बीच विश्वसनीयता जो है वो हमेशा बनाए रखी जा सकती है। और इसी बात को लेकर के अब नीतीश कुमार अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दांव खेल रहे हैं। राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, अगर बात करें तो शीर्ष नेतृत्व से उनकी अच्छी तालमेल अभी देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो कुछ भी हुआ था, इस सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार इस बात की कोशिश में है कि उन्हें जो है अपना मुस्लिम वाला जो वोट बैंक है उसे बचा करके रखना है, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक बचा करके रखना है। और वो चाहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भले ही राजद के टिकट से क्योटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हो, लेकिन अगर उन्हें जदयू में शामिल कर लिया जाए तो मुस्लिम समुदाय का जो एक वोट बैंक जो उनसे कट गया है, जो 11 के 11 विधायक जो उनके जो प्रत्याशी थे वो हार गए थे मुस्लिम समुदाय से, उन्हें जो है इस गैप को फिल किया जा सकता है और यही नीतीश कुमार का अगला दांव है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। हमारा आप सहयोग जो है जरूर कीजिए, सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सहयोग से, आपसी सहयोग से हम आगे चलतेंगे और सारी खबरें जो है निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।